बात करते हैं जहां एक दरगाह और एक मंदिर पर नगर परिषद का बुलडोजर चला है। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर परिषद ने ये मुहिम छेड़ रखी है। प्रशासन के साथ नगर परिषद की टीम भारी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ अतिक्रमण हटाने निकली, जिसके पहले यहां अतिक्रमण पर बनाए गए दरगाह पर बुलडोजर चला और फिर मंदिर पर। दोनों को कई बार नोटिस दिया गया था, लेकिन जब अतिक्रमण नहीं हटा तो प्रशासन को इस कार्रवाई को अंजाम देना पड़ा। और इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंबाला से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए सबसे पहले मंदिर को हटाया गया, मंदिर पर बुलडोजर चला और उसके बाद एक दरगाह पर भी बुलडोजर चलाया गया है। मंदिर सरकारी जगह पर निर्माण किया गया था इसका, इस बारे में हमने ड्यू कोर्स ऑफ लॉ इसको हटाने बारे पीपी एक्ट में केस दायर किया था। वो पीपी एक्ट में बकायदा माननीय न्यायालय के द्वारा इसके एविक्शन के आदेश जारी किए गए हैं, उसी कड़ी में आज इसको मतलब हटाया जा रहा है। जितनी भी मूर्तियां इसके अंदर थी उन सभी मूर्तियों को हमारा आप यहीं आपने देखा होगा, हमारा ज़्यादा समय उन मूर्तियों को ही निकालने में लगा, क्योंकि हमारा पूरा प्रयास ये रहा कि भी जो भी मूर्तियां हैं अंदर उनको सुरक्षित निकाला जा सके। जितनी भी मूर्तियां सुरक्षित निकाल पाए वो सभी हमने निकाल ली। ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब हैं मनदीप सिंह, उनके नेतृत्व में हमने पुलिस फोर्स प्रोवाइड कराई थी, उसको डिमोलिश करने के लिए आदेश थे, उसको साथ ही फोन किया गया। क्या मामला था, क्यों, किस लिए, कोई सड़क बनने सड़क के लिए कोई होगी तो कोर्ट से डिसाइड हो चुका था और कोर्ट का जैसा आदेश थे वैसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब नियुक्त हो चुके थे और हमने फोर्स मैंने फोर्स प्रोवाइड कराई और फोर्स के साथ। तो यहाँ पर ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पहले मंदिर पर बुलडोजर चला और फिर उसके बाद एक दरगाह को यहां से हटाया गया है। आप देख सकते हैं बुलडोजर के जरिए किस तरह इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। भारी भरकम टीम के साथ इस अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, भारी पुलिस बल भी यहां पर तैनात रहा। कृष्ण बाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारियों के साथ। कृष्ण बाली, अंबाला को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए हर जगह अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है और उसी क्रम में इस कार्रवाई को भी अंजाम दिया है। हाँ बिल्कुल, इसको कह सकते हैं कि इस कार्रवाई अंबाला को जो क्लीन अंबाला बनाने की बात की जा रही है, एक तो वो मिशन चल रहा है, दूसरी बात ये जो टेंपल था काफी, हालांकि काफी पुराना मंदिर बना हुआ था, लेकिन ये जो सड़क को डबल किया जा रहा है, सड़क को वन वे किया जा रहा है पूरे शहर में, तो उसके बीच में भी ये आ रहा था और इसको कई बार कहा भी गया था, नोटिस भी दिए गए थे निगम की तरफ से, कमेटी की तरफ से इनको नोटिस दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये हटने को तैयार नहीं थे। लेकिन पुलिस ने आज मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक टीम के साथ इस मंदिर को हटाया, क्योंकि हाईकोर्ट से आदेश भी थे और आदेश के बाद इनको इसी महीने हटाने की बात कही गई थी। हालांकि अधिकारी सुबह सुबह इतनी मॉर्निंग में वहां पे इतनी जल्दी सुबह पहुंचे कि सोच भी नहीं सकता था, भारी पुलिस बल को देखकर एक बार आम लोग भी सोचने लगे थे कि यहाँ पर क्या होना है, लेकिन बिल्कुल शांतिपूर्वक ये कार्रवाई रही और मंदिर को बिल्कुल आराम से हटाएगा। जितनी भी उसकी मूर्ति निकली गई थी, जो पीछे प्रशासन ने उनको जो जगह दी हुई है, मंदिर बनाया है जो पीछे, वहां पर शांतिपूर्वक रखी गई है। उसमें से कुछ मूर्तियां खंडित जरूर हुई है, क्योंकि एक मूर्ति को एक जगह से निकालने से दूसरी जगह जब लगाया जाएगा तो खंडित हो जाएगी, और साथ ही जो एक सड़क के बीच के अंदर एक दरगाह भी आ रही थी उसको भी आज हटाया गया। बिल्कुल, तो बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया है, जहाँ एक दरगाह और एक मंदिर दोनों को रास्ते से हटाया गया है और कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो, किसी तरह का दंगा फसाद ना हो, उसके लिए भारी पुलिस बल की अल सुबह से ही तैनाती यहाँ पर कर दी गई थी। कृष्ण बाली, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।